नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, पुलिस के ऊपर हुए हमले। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार होंगे मोहम्मद यूनुस। शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद से बांग्लादेश में 100 लोगों की हुई मौत। बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया ने सरकार से राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाने की अपील की। राजस्थान के कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को विधानसभा से 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी अपोलो अस्पताल में हुए भर्ती, हालत स्थिर। ब्रिटेन जा रहे अपने नागरिकों के लिए भारत ने जारी की एडवाइजरी, खास क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह। राजस्थान में भारी बारिश के कारण हुई 5 लोगों की मौत, 1 लापता। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले उम्मीद है बांग्लादेश के मुद्दे पर दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा होगी। शशि थरूर बोले सरकार के ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने पर खुशी, विदेशी मुद्दों पर हम एक हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के येलो जोन में गिरे 2 मकान, करीब 8 लोगों के फंसे होने की आशंका। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड़ ने अजीत पवार पर बोला हमला, बताया सबसे बड़ा गद्दार। जेवलिन के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, 89.34 मीटर दूर फेंका भाला। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।